खबरों का सारथी। हरियाणा विश्वविद्यालय में बीसी सम्मान समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और सीएम सैनी की शान में कसीदे पढ़े। शाह ने सीएम सैनी को कॉमन मैन बताया, जिस पर समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कहा कि हमने बीसी के बेटे को सीएम बनाया है। वहीं सीएम सैनी ने राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विश्वविद्यालय में बीसी सम्मान समारोह, गृह मंत्री शाह ने सीएम सैनी की शान में पढ़े कसीदे। सीएम सैनी को बताया कॉमन मैन, कहा कि हमने बीसी के बेटे को बनाया सीएम। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का दिया करारा जवाब। तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान। सीएम सैनी ने राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीसी सम्मान समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सैनी की शान में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में बीसी के बेटे को सीएम बनाया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का भी जवाब दिया। उन्होंने सीएम सैनी को कॉमन मैन बताया। साथ ही जनता से तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। सीएम नायब सैनी को गरीब बीसी परिवार का बेटा बताते हुए उनको प्रणाम किया। हरियाणा के मेरे प्यारे ओबीसी समाज के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। भाइयों और बहनों, आज मैं हरियाणा में आया हूं। हरियाणा की भूमि तीन चीजों के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक का पूरा देश याद करता है। सबसे पहला, यहां की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब ताली का देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का ढाकड़ लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा की भूमि तीन चीजों के लिए पूरा देश याद रखता है। यहाँ की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में सेना में जवान भेजे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में जब देखते हैं तो 10 में से 7 मेडल हरियाणा को मिलते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा किसान का ही है। इन तीनों चीजों के लिए हरियाणा को प्रदेश में याद रखा जाता है। उन्होंने राव तुलाराम को भी नमन किया। वहीं पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर निशाने भी साधे। आज जो आदरणीय अमित शाह जी हम सबको कई सौगातें यहाँ पर देने के लिए आए हैं, आप सबका मैं इस पवित्र भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मुझे गर्व है कि आज इतनी बड़ी संख्या में बीसी समाज के हमारे भाई बहन मैं इस पवित्र भूमि के ऊपर देख करके भाव विभोर हो रहा हूं। ऐसा लग रहा है अपने विशाल कुटुंब के अंदर के बीच में आ गया हूं, अपने परिवार के बीच में। इस समारोह में आप सबका इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना
इस बात का प्रतीक है कि बीसी समाज हमारी नीतियों और योजनाओं में आदरणीय अमित शाह जी आपके साथ पूर्ण विश्वास करता है। हम आपके इस विश्वास को और भी मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा वर्ग समुदाय का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है और आपको हर स्तर पर सबसे ज्यादा प्रतिनिधि देती है। मुझे ये बड़ा गर्व होता है आप सबके बीच में कहते हुए कि हमारे हरियाणा के दो सांसदों को जो बीसी समाज से आते हैं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाने का काम वो आपने किया है, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, नायब सिंह सैनी के कैबिनेट में तीन निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय किया है। दूसरा, पंचायतों में 8% आरक्षण ग्रुप ए के लिए था, इसके साथ अब ग्रुप डी को 5% आरक्षण मिलना शुरू हो रहा है। तीसरा, नगर निगम में ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण मिलना शुरू होगा और 8% जस का 10 रहेगा, वहीं ग्रुप बी का 5% अधिक मिलेगा। ये तीनों निर्णय पीएम मोदी की नीति को लागू करने वाला है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।